Hello everybody, this is Mithil, grade 4, Sri Mother Teacher welcomes you here in the YouTube channel of Maharshi Sandigmi School. So students, your ma'am is back with another video. In today's video, we are going to learn about subject Hindi. And you all are aware students, Hindi mein humne kaafi matra ho tak seekh liya hai. Aur ab aap achse se usse read bhi kar sakte hai, right? So today we are going to learn two new matra, that is Ru ki matra aur A ki matra, right? अब रू की मात्रा का यूज स्टूडेंट्स हिंदी की लैंग्वेज में बहुत ही कम होता है, राइट? इसका यूज संस्कृत लैंग्वेज यानी कि संस्कृत भाषा में ज्यादा यूज होता है री का, ओके? अब री की मात्रा जो है वो हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, लाइक सी, ओके? ऐसे री की मात्रा लगाई जाती है. अब री के लिए हमने कोई खड़ी का यूज नहीं किया है क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत कम शब्द है हिंदी की लैंग्वेज में, ओके? सो अब इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं? क के साथ री, क्री. ख के साथ री की मात्रा तो ख्री. ग के साथ री की मात्रा तो ग्री. व्यंजन के पीछे री लगाते ही री की मात्रा का यूसेज होता है, राइट? Let me see some of the शब्द. अब आपके हिंदी की नोटबुक में काफी कम शब्द दिए गए हैं री की मात्रा के. That's why ma'am has written some more words here. तो उसे भी हम bifurcate करके उसे भी हम अच्छे से समझेंगे. Now first is ऋतु. ऋतु यानी कि season, right? हमारे देश में कितनी ऋतुएं हैं? तीन ऋतुएं, right? ऋतुएं क्या है? Seasons, okay? Next is मृग. मृग क्या है? डियर. डियर को क्या बोला जाता है? मृग. हिरण भी बोला जाता है बट संस्कृत भाषा में मृग बोला जाता है. नेक्स्ट इज रुचा. नाम रुचा क्या है? रुचा किसी का नाम भी हो सकता है. रुचा यानी कि मंत्र. जो हम मंत्र बोलते हैं ना उसे बोलते हैं रुचा. नेक्स्ट इज गृह. गृह यानी कि घर, होम, राइट? यस, उसे बोलते हैं गृह. नेक्स्ट इज ऋषि. ऋषि क्या है? साधु संत हो गए, सेंट्स, राइट? हम जिसे बोलते हैं ना साधु बाबा उसे बोलते हैं ऋषि. नेक्स्ट इज वृक्ष. वृक्ष क्या है? ट्रीज, ओके? व्हाट इज द वृक्ष? ट्रीज. नेक्स्ट इज रजु. रजु यानी कि किसी भी चीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में रजू करना, ओके? दैट इज रजु. नेक्स्ट इज कृषिक. कृषिक क्या है? फार्मर. फार्मर जो होते हैं ना उसे बोलते हैं कृषिक, ओके? नाउ दिस वर्ड्स आर रिटन इन योर हिंदी टेक्स्ट बुक आल्सो. नाउ यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए गए हैं आपको वो आपकी नोटबुक में हिंदी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किए गए हैं, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स है. लेट मी सी. नृप. नृप क्या है? किंग यानी कि महाराजा होते हैं ना उसे बोलते हैं नृप. नेक्स्ट इज कृषि. ना कृषि क्या है? जो फार्मर्स फार्मिंग करते हैं ना, खेती करते हैं ना उसे बोलते हैं कृषि, ओके? नेक्स्ट इज मातृ. मातृ. मातृ क्या है? मदर होती ना उसे बोलते हैं मातृ, ओके? नेक्स्ट पितृ. पितृ क्या है? फादर को बोलते हैं पितृ. नेक्स्ट इज कृपाण. नाउ व्हाट इज कृपाण? कृपाण इज अ स्वॉर्ड. तलवार जो होती है ना उसे बोलते हैं कृपाण. सिख फैमिलीज जो होती है, पंजाबी फैमिलीज होती है, उनमें कृपाण का यूसेज बहुत होता है, ओके? नाउ नेक्स्ट इज हृदय. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, ह में कभी भी री की मात्रा आपको नीचे नहीं लगानी है. ह में री की मात्रा जब आप ह बनाते हैं तो उसी के साइड में ऐसे लगाई जाती है. हृदय. हृदय यानी कि आपका दिल, हार्ट, ओके? दैट इज नोन एज हृदय, ओके? आई होप स्टूडेंट्स दैट री की मात्रा वाले शब्द आप सभी को क्लियर होंगे. नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू ए की मात्रा वाले शब्द, ओके स्टूडेंट्स? बट बिफोर दैट वी हैव टू लर्न खड़ी, राइट? खड़ी लर्न करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके पहले लेट्स सी रीड इट. क का, की, कु, के.
अब हमेशा ऐसे करके ऐसे ऊपर लगाएंगे राउंड करके एक ही मात्रा, कभी बच्चे ऐसे नहीं लगाएंगे. दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट. ओके, सो मेक श्योर अबाउट दैट कि आप एक ही मात्रा अच्छे से सर्कल करके ऊपर लगाए. ठीक है, नेक्स्ट इज ख खा खी खी खू खू खे ग गा गी घी गु गु गे घ घा घी घी गु गु घे. नेक्स्ट इज अंग अंगा इंगी इंगी इंगु इंगु इंगे. नाउ स्टूडेंट्स स्टिल वी हैव टू राइट टिल श्र. ओके, श्र तक लिखेंगे आप आपकी नोटबुक से. मैम ने यहाँ पर सिर्फ अंग तक लिखा है क्योंकि मैम के पास इनफ सफिशिएंट स्पेस नहीं है. राइट, बट वी विल डू इन द ऑनलाइन सेशन टिल श्र. नाउ लेट्स सी स्टार्ट फ्रॉम द ए मात्रा वाले शब्द. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही मात्रा कैसे लगाई जाती है व्यंजन के ऊपर, बट काफी बच्चे क्या है मात्रा को बस ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह लिखते हैं. दैट इज रॉन्ग. यू हैव टू ऑलवेज राइट द मात्रा बाय डूइंग वन कर्व एंड देन वन स्लैंटिंग लाइन. दिस इज अ करेक्ट मैनर, दिस इज अ रॉन्ग मैनर. लेट्स सी डाउन द शब्द एक. एक यानी कि वन नंबर. एडी, एडी यानी कि हील. आपके पैर में फुट में जो हील है ना उसे बोलते हैं एडी. एड, नाउ एड इज आल्सो सिमिलर टू एडी. अब एड क्या है, किसी वस्तु के नीचे हम सपोर्ट डाल के वो चीज को ऊपर करते हैं ना, उसे एड लगाई जाती है. राइट, दैट इज नोन एज एड. नेक्स्ट इज एकता. एकता, एकता यानी कि यूनिटी. राइट, यूनिटी क्या है, एक साथ होना is known as ekta. Next is Asia. Asia is a continent students. ठीक है, Asia क्या है, एक continent है. Next is गए. गए यानी कि went off. Right, पापा office चले गए. Next नए. नए यानी कि newer, new things. पापा मेरे लिए नए जूते लाए हैं. Right, now next is आए. पापा ऑफिस से आए. नेक्स्ट लाए. लाए यानी कि कुछ लाए हैं. पापा मेरे लिए कुछ लाए हैं. नेक्स्ट खाए. पापा खाना खाए. एक. नेक्स्ट एल्बम. एल्बम क्या होता है, फोटो एल्बम्स. राइट, यू ऑल आर हैविंग योर फोटोज इन वन एल्बम. राइट, दैट इज नोन एज एल्बम. नेक्स्ट एक तारा. व्हाट इज एक तारा, एक तारा इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वन स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, नेक्स्ट शेर. अब यहां पर देखा है आपको मात्रा कैसे लगाई गई है, श में एक ही मात्रा शेर. शेर यानी कि लायन. राइट, पेड़. प में एक ही मात्रा पेड़. पेड़, पेड़ यानी कि ट्री. सेब, सेब यानी कि एप्पल, एन एप्पल. केले, केले यानी कि बंच ऑफ एप्पल, बनानास. राइट, दैट इज केले. बेल, नाउ बेल क्या होती है, इट इज नोन एज क्विंसेस स्टूडेंट्स. बेल क्या होती है, कभी कभी आपने देखा होगा पेड़ के नीचे बहुत सारी बेल लटकी हुई होती है. राइट, दैट इज नोन एज बेल. नेक्स्ट इज र में एक ही मात्रा रे. त, रेत. रेत यानी कि सैंड. नेक्स्ट जेब. जेब यानी कि योर पॉकेट्स. राइट, नेक्स्ट मेला. व्हाट इज मेला, मेला इज अ फेयर. राइट, फेयर होता है ना जहां पे आपको बहुत सारे खिलौने शोज दिखते हैं. राइट, यू ईट देयर, दैट इज नोन एज फन फेयर, मेला. सवेरा, सवेरा यानी कि मॉर्निंग. राइट, यस. नेक्स्ट इज कपड़े. कपड़े यानी कि क्लॉथ्स व्हिच यू वेयर डेली. सो स्टूडेंट्स दिस वाज सम ऑफ द शब्द रिलेटेड टू एक ही मात्रा. अब हम एक ही मात्रा के चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आपको भी मेरे साथ रीडिंग करनी है. सो हिंदी टेक्स्ट बुक आप ओपन करेंगे, पेज नंबर है 42, शेर की दहाड़. नाउ शेर यानी कि लायन. लायन की दहाड़ बहुत ही तेज होती है, सभी को पता है. राइट, यस. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर. हम
ऐसी जगह जहाँ पर क्रॉप्स यानी कि बहुत सारे अच्छे से फल फूल वगैरह सब उगाए जाते हैं उसे बोलते हैं खेत। तो कुछ बच्चे हैं जो खेत पर गए हैं। हमने मीठे बेर खाए। हमने मीठे बेर, मीठे बेर यानी कि बेर यानी कि चेरीज, राइट? यस, दैट इज नोन एज बेर। क्या खाए हैं बच्चों ने? मीठे यानी कि स्वीट चेरीज खाई है। हम बड़ी देर तक उधर खेलते रहे। जो बच्चे थे वो वहां पर बहुत ही ज्यादा देर तक खेलते रहे जब तक वो थके नहीं। हमने खूब खेल खेले। हमने खूब खेल खेले। नाउ खेल यानी कि बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स बच्चों ने वहां पर खेली। खेत में बच्चों ने बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स खेली। हम सेब और केले भी ले गए थे। अब ये जो बच्चे थे वो उनके साथ दो फल लेके गए थे। कौन से? सेब और केले लेकर गए थे अपने साथ। सबने सेब और केले खाए और सारे बच्चों ने मिल बांट कर ये दोनों फलों को खाया। कौन से फलों को? सेब और केले सारे बच्चों ने मिल बांट कर खाए। रमेश ने सेब शेर की नकल की। रमेश ने किसकी नकल की? शेर की नकल की, राइट? रमेश नाम का जो लड़का था उसने नकल यानी कि एक्टिंग, राइट? नकल क्या है? किसी भी चीज की नकल उतारना। तो रमेश ने क्या किया? शेर की नकल उतारी। सब डर गए। सब बच्चे क्या हो गए? सब बच्चे डर गए। ओ माय गॉड, ये तो शेर आ गया, असली का शेर लग गया उन्हें। सब डर कर भाग गए। सबने क्या किया? सब डर कर वहां से भागे। रुक जाओ रुक जाओ। अब कौन बोल रहा है? रमेश बोल रहा है रुक जाओ रुक जाओ। यह शेर न था, यह रमेश ने शेर की नकल की थी। अब क्या बोल रहा है कि ये शेर नहीं है, ये तो रमेश है जिसने शेर की नकल उतारी है। सब डर गए थे। वाह कितनी बढ़िया नकल थी। बट सब तो डर गए थे, सबको क्या लगा? ये तो असली का शेर आ गया है। तो क्या बोल रहे हैं सारे दोस्त रमेश को? रमेश आपने तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक्टिंग की थी शेर की। बिल्कुल शेर की दहाड़ थी। अब जैसे ही उसने आवाज निकाली थी शेर की, वो बिल्कुल शेर से मिलती जुलती थी, राइट? यस। सो आई होप दैट दिस चैप्टर हैज क्लियर टू एवरीबॉडी आउट देयर एंड होप यू ऑल हैव एंजॉयड टुडेस सेशन। इन टुडेस सेशन वी हैव लर्न टू मात्रा, री की मात्रा और ए की मात्रा, और उसी के साथ मैम ने आपको शेर की दहाड़ का चैप्टर भी समझाया जिसका आपको रिवीजन ओरल घर पे भी करना है और पीडीएफ कंप्लीट करनी है। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।